इतना अच्छा ये समागम हुआ जो हम सभी उनके दर्शन कर रहे हैं और हम उनके दर्शन, ठीक है। तभी हम सभी सुनेंगे, अपने भाई साहब हैं किशोर भाई, तो आप लोग बाबा के अपने कैसे इस ज्ञान में आए और बहुत अच्छे अपने अनुभव हैं। और मैं किशोर भाई तो बहुत अच्छा बाबा का गीत भी बहुत सुंदर गाते हैं, तो आपको गीत भी सुनाएंगे। ओम शांति। देह का नाम है किशोर, जन्म हुआ गुजरात वलसाड़ में, मेडिकल कॉलेज की जामनगर में, फिर कर्मभूमि थी अमेरिका, अमेरिका पहुँचे, पहले पीडियाट्रिक्स का किया, फिर एनेस्थेसिया का किया। हमारी एक स्पिरिचुअल सिस्टर जो सुलाबन ने बताया, वो पीस विलेज में है, उन्होंने हमको बहुत इनविटेशन दिया वहाँ आने के लिए, काफ़ी बुक्स भेजी, कैसेट्स भेजी, मगर साइट पर रख देते थे। फिर उनके जब बेटे ने देह त्याग किया तो वहाँ जाना हुआ, तो वहाँ बाबा ने हमारा शिकार कर दिया। तो एक साल में ही बाबा ने मधुबन के स्टेज पे पहुँचा दिया। प्रोफेशन था एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, पेशेंट को बेहोश करना, मगर जब बाबा को मिलने गया तो बाबा ने मुझे ही बेहोश कर दिया, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन जिसको कहते। तो पेशेंट को एनेस्थेसिया कौन देगा, बाबा करता है सब कुछ, करण करावनहार बाबा करता है। तो जब बाबा के बने, उस समय एक बड़ी बेटी की शादी हुई, अमेरिकन के साथ। तो शादी का इवेंट हमारे लिए साइट सीन था, हमको बाबा का परिचय देना था। तो बड़े पैमाने पर शादी रखी थी कन्वेंशन हॉल में, 100 अमेरिकन मेरे हॉस्पिटल के सारे स्टाफ आए थे और 500 इंडियन जैसे थे। एक हफ्ते का प्रोग्राम रखा था, बहन जी भी वहाँ के टीचर हमारे यहाँ घर पे ठहरे थे, मुरली चलाते थे, सभी के जो ब्रह्मा कुमारीज के जो क्वेश्चन थे वो आंसर करते थे, और जो मेहंदी की रस्म होती है, संगीत की रस्म होती है, उसमें भी अमेरिकन बहन ने आकर मेडिटेशन सिखलाया सभी को, गाइडेड मेडिटेशन करवाया, और जो मैरिज इवेंट था उसमें भी गाइडेड मेडिटेशन करवाया। और उसके पहले बाबा का परिचय का इंग्लिश का बहुत अच्छी तरह से लेक्चर दिया। तो जो मेरे अस्पताल का स्टाफ आया, अच्छा लगा। तो सिस्टर ने बताया कि जब यहाँ से जाओगे तो अपने साथ ओम शांति ले जाना। तो मैं छोटे गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, बड़ी क्लिनिक है, 72 फिजिशियंस है। तो मेरे ऑपरेटिंग रूम का जो स्टाफ है, उन्होंने ओम शांति वर्ड पकड़ लिया। तो सर्जरी में एक टीम होती है, एक सर्जन होता है, एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, एक सर्कुलेटर नर्स होती है, टेक्नीशियन होती है, और सर्जिकल असिस्टेंट होता है। तो ये टीम का, मेरी टीम का नाम रख दिया उन्होंने ओम शांति टीम। जब मैं सवेरे अस्पताल में आता हूँ तो मुझे कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहता है, ओम शांति डॉक्टर राणा, ओम शांति डॉक्टर राणा, ओम शांति। तो ओम शांति का नारा अस्पताल में और सारे ऑपरेटिंग रूम में सदा गूंजता रहता है। मैं अपने डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन जैसा हूँ, ग्रैंडफादर हूँ। मेरे अंदर में 5 MD एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है और 3 नर्स एनेस्थेटिस्ट है। तो 8 ऑपरेटिंग रूम में मैनेज बाबा मेरे ज़रिए मैनेज करवाते हैं। तो सवेरे मुरली सुनते हैं मधुबन की और ओम शांति भवन की, और उसके बाद जैसे अस्पताल में जाते हैं तो पहले प्रिंट कर लेता हूँ मुरली। मुरली हमेशा मेरे पॉकेट में रहती है, जो भी ऑपरेटिंग रूम में जाता हूँ तो मेरे साथ मुरली होती है। तो एनेस्थेसिया ऐसी ब्रांच है कि जैसे मैं 35 साल से एनेस्थेसिया दे रहा हूँ, तो मेरे लिए रिफ्लेक्स प्रोसीजर हो गई है, और बाबा एनेस्थेसिया देते हैं तो बहुत इजी हो गया है। जैसे कोई ड्राइविंग करता है तो ड्राइविंग करते करते बात करते हैं, गाना सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ स्नैक्स भी ले सकते हैं।
तो ऐसे हम हमारे यहाँ भी ऑपरेटिंग रूम में बातें और सब कुछ ऐसे होती रहती है, और मॉनिटर के ज़रिए पेशेंट का सब कुछ, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजनेशन और सब कुछ, के एनेस्थेसिया की डेप्थ कैसी है, सब कुछ देखते रहते हैं। तो हमें एज मैं ग्रैंडफादर जैसा हूँ डिपार्टमेंट में, तो मेरे ऑपरेटिंग रूम का स्ट्रिक्ट रूल्स है कि कोई भी ज़्यादा वेस्ट बातें नहीं होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट कितना भी सिक हो, क्रिटिकल हो, उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग करना आने वाला है। तो 35 साल की ऑपरेशन में बाबा ने अभी तक एक भी केस का एक्सपायर नहीं हुआ, डेथ रेट इज़ मेरे लिए नेगेटिव है। तो जब पेशेंट मेजर सर्जरी के लिए आते हैं, कुछ रोबोटिक सर्जरी होती है, मशीन से सर्जरी होती है, 6-8 घंटे की सर्जरी होती है, और हर तरह की हम ऑपरेशन करते हैं। तो जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होता, अस्थमा कंट्रोल में नहीं होता, इंटेंसिव केयर यूनिट में होते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता, यूरिन आउटपुट नहीं होता, किडनी फेल हो जाती है, ऑक्सीजन पूरा नहीं रहता, तो ऐसे पेशेंट को मैं अगले दिन देख आता हूँ और सवेरे अमृत वेले में सबको इमर्ज करता हूँ। और बाबा सर्जरी से पहले उनमें सभी शक्तियाँ बढ़ते हैं, जैसे उनका जो सर्जरी आ पड़ी है तो उसके लिए सामना करने की शक्ति बढ़ता है बाबा, सहन करने की शक्ति बढ़ता है, उनका हिम्मत टूट चुकी है तो बाबा हिम्मत बढ़ता है, उनमें उमंग बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। तो सर्जरी से पहले ही बाबा ने शक्ति का इंजेक्शन उनको दे देता है, और जैसे सर्जरी में आता है तो पहले सेडेशन देते हैं वेलियम जैसा, जिससे वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो उसके साथ मैं भी अपनी बाबा की शक्ति को देता हूँ, उमंग की इंजेक्शन, उत्साह का इंजेक्शन, फिर जब सोने का इंजेक्शन लगाते हैं तो सहन शक्ति का और आठों शक्तियों का इंजेक्शन देता हूँ। और जब सर्जन शरीर की अशुद्धि को दूर करता है और मैं बाप दादा को वहाँ इमर्ज करता हूँ, वो तो आत्मा पे लगी हुई अशुद्धि को, विकारों को दूर करता है। तो दोनों सर्जरी एक ही साथ होती है। तो मेडिटेशन भी करता हूँ, मुरली की पॉइंट्स की भी आत्मा के साथ रूह रिहान करता हूँ। तो ऐसे उन्होंने देखा सभी सर्जन्स ने कि जब डॉक्टर राणा केस करता है तो उसकी ब्लड लॉस मिनिमल हो जाती है, जो आईसीयू से पेशेंट्स होते आते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की ड्रिप की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ब्लड लॉस होने के ब्लड देना पड़ता है, उनकी किडनीज में यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, तो उन सबको बाबा बहुत अच्छा स्टेबल रखता है। तो ऐसे उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स देखे, तो जो भी हाई रिस्क पेशेंट्स आते हैं और उसको मेरे पर रिफ़र कर देते हैं कि यू शुड रिक्वेस्ट डॉक्टर राणा। और बाजू के रूम में भी कोई गड़बड़ हो गई, सर्जन नर्वस हो गया, ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ, पेशेंट क्रिटिकल हो गया, तो वहाँ से नर्स दौड़ती हुई हमारे रूम में आएगी और कहेगी डॉक्टर राणा उस रूम के लिए ओम शांति भेज दो। और बाबा का बनने से ये एडवांटेज हुआ कि जब मैं बाप दादा के मिलन के लिए छुट्टी मांगने जाता हूँ तो पहले से इमीडिएटली वो अप्रूव कर देते हैं कि ओम शांति ज़्यादा लेकर वहाँ से आना। इसके अलावा शिकागो में 6 मंदिर है, उसमें भी बाबा सेवा करवाता है। बाबा ने हमको 6 डॉक्टरों का ग्रुप दे दिया है, तो वो सेवा तो यहाँ भी नहीं होती। हर वीकेंड में हम 6 मंदिर है उसमें 40 से 60 पेशेंट्स देखते हैं। तो बाबा ने हमको लैब ओनर दे दिया है जो सारी ब्लड टेस्ट फ्री में करके देता है, और जो फार्मासिस्ट भाई बहन होते हैं वो सारी मेडिकेशंस फ्री देते हैं। तो सभी फ्री में क्लिनिक करते हैं, और सबको जो मेडिकल की प्रैक्टिस है वो साइड बिजनेस है। उनको जो बाबा की बातें सुनाते हैं तो बड़ा असर लगता है, जो स्पिरिचुअल एडवाइस देते हैं वो बड़ी अच्छी लगती है। तो फिर जो बाबा के वो फिर बाबा के बन जाते हैं और उनको सेंटर पे रिफ़र कर देते हैं। ऐसे ऐसे बाबा सर्विस करवाते हैं। एक केस का आपको एग्जांपल दूँ कि बाबा कैसे मिरेकल करता है। 33 साल की एक लड़की आई सर्जरी के लिए, तो सीटी स्कैन किया तो सीटी स्कैन में ऐसा लगा कि उसका इंटेस्टाइन का कैंसर जैसा है। तो सर्जन ने उसको
ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ डायबिटीज था। वो डायबिटीज के लिए भी इंसुलिन और कुछ नहीं लेती थी, ओरल मेडिकेशन ही देती लेती थी। तो ऑपरेशन करके एब्डोमेन को ओपन किया तो उसमें से 3 लीटर पस निकला, 3 लीटर 3000 cc। तो ऑपरेशन एक ही घंटे का हुआ और पेशेंट का बेली बंद कर दिया, मगर पेशेंट जगी ही नहीं। वेरी अनयूजुअल केस, उसका वाइटल साइंस सब भी स्टेबल थी, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजनेशन, ब्लड शुगर लेवल सब कुछ ठीक रहा। तो सभी शॉक में हो गए। तो फिर पता चला कि जो पस हुआ था तो पस में जो जम्स थे, वो बैक्टीरिया थे, वो ब्रेन में चले गए। तो ब्रेन में उनको एनसेफेलाइटिस हो गया, तो कोमा में चली गई। तो एक दिन नहीं जगी, दूसरे दिन नहीं जगी, तीसरे दिन नहीं जगी। तो मैं भी बाबा के साथ रूढ़ियान करने लगा कि बाबा एनेस्थीसिया तो आपने दिया, तो कलंक आपके ऊपर लगेगा, अपने बेटे मेरे ऊपर तो नहीं लगेगा। तो वो उनका जो पेशेंट था ना, उसका फैमिली का भी बड़ा सपोर्ट था। वो क्रिश्चियन थे, रोज़ उसके बेटी के पास बैठते थे, बाइबल पढ़ते थे, उसकी बचपन की बातों की यादें दिलाते थे, मगर सिर्फ वो कोमा में थी, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो एक हफ्ता बीत गया, दूसरा हफ्ता बीत गया, और फिर तो उसको वेंटिलेटर पे रखा था, तो ट्यूब निकाल दी और ट्रेकियोस्टोमी श्वास वाहिनी में छेद डालना पड़ा और वेंटिलेटर पे रखा। तो ये माहौल चला 2 महीने तक। तो सभी ने होप छोड़ दी, मगर हम तो योगदान करते रहे। तो 2 महीने के बाद वो पेशेंट जगी, और जगी तो फुल जगी, उसको सर्जरी ही याद नहीं रही और बाकी सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद उसको 4 सर्जरी हुई, और 4 सर्जरी के लिए भी उसने मुझे ही रिक्वेस्ट किया। तो बाबा ऐसी ऐसी कमाल करता है। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मगर टाइम कम है तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ओम शांति, ओम शांति। इस विजिट में बाप दादा के आदि सेंटर कानपुर और लखनऊ बहुत खींच रहा था, तो आदि सेंटर के आदि रत्नों को ओम शांति, और आदि रत्नों के लिए यज्ञ का बहुत आदि गीत सुनाएंगे। इस आत्मा गाएगी, जब भोग लगता था तो पहले ये गीत बजाया जाता था। बाबा की लगन में सब मगन होके हो जाएंगे। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं शिव, योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेश लाए हैं शिव, शुभ संदेश लाए हैं। देह नहीं हो बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। परम सत गुरु परम पिता में, परम सत गुरु परम पिता में, जानो मुझ परमात्मा को, राजयोग से जन्म जन्म के
पाप मिटाने आए हैं शिव, पाप मिटाने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। कर्मों की तुम गति को जानो, 84 के चक्र पहचानो। हम सो हम राज को जानो, हम सो हम राज को जानो। तुम खुद देव थे सच ये मानो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का वर्षा देने आए हैं शिव, वर्षा देने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। जीवन कमल समान बनाओ, आत्माओं की ज्योति जगाओ। परम पिता से योग लगाओ, परम पिता से योग लगाओ। मन वाणी शुद्ध कर्म बनाओ, शिव बनाते कर्म के ब्राह्मण, देव बनाने आए हैं शिव, देव बनाने आए हैं। परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आए हैं। पावन और योगी बनने का शुभ संदेश लाए हैं शिव, शुभ संदेश लाए हैं। ओम शांति।